भारतीय सेना के दुश्मनों को कड़ा संदेश, 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराए 76 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज। बैठक के बाद किसान संगठनों का ऐलान, एमएसपी की गारंटी मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन। पीएम मोदी के साथ योगी की तस्वीर पर अखिलेश का तंज, कहा बेमन से कंधे पर रखा हाथ, संग चलना पड़ता है। सोमवार को होगी किसान महापंचायत, राकेश टिकैत बोले धरना खत्म करने को तैयार, लेकिन एमएसपी पर बात करे सरकार। मिशन उत्तराखंड पर केजरीवाल ने कहा हर पार्टी को मिलना चाहिए सरकार बनाने का मौका। साथ में श्वेता गर्ग, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री का आज हरिद्वार में एक दिवसीय दौरे पर है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हैं। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि राज्य में नई पार्टी को मौका देना चाहिए, दिल्ली की तरह ही यहाँ की जनता का भी भला हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं यहां ऐलान करने आया हूं कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम दिल्ली की तरह यहां भी तीर्थयात्रा योजना शुरू करेंगे। इसके तहत उत्तराखंड के लोगों को अयोध्या की यात्रा बिल्कुल मुफ्त कराई जाएगी। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए अजमेर शरीफ और सिख समुदायों के लिए लोगों के लिए करतारपुर साहिब के दर्शन मुफ्त कराए जाएंगे। लोग भी सुधरेंगे और परलोक भी सुधरेंगे। कोई लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं, आते जाते रहते हैं और लोग देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली के अंदर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अच्छा विकास हुआ है, तो इस बार उत्तराखंड के लोग भी मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर नई पार्टी को मौका देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक दिवसीय दौरा है हरिद्वार में, जो आज रेडिएशन होटल में पहुँचे हैं। उन्होंने प्रेस वार्ता की और कहा कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो दिल्ली की तर्ज पर ही वो यहाँ पे काम किया जाएगा, स्कूल, पानी, बिजली सब सुविधा फ्री दी जाएगी। और जैसे वहाँ पे तीर्थ यात्रा चल रही है, दिल्ली से अयोध्या के श्री राम के दर्शन कराए जा रहे हैं, वहीं इसी तरह यहाँ पे भी लोगों के लिए अयोध्या में श्री राम के दर्शन कराए जाएंगे उन्हीं, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके लिए अजमेर शरीफ, और जो सिख लोग हैं उनके लिए गुरुद्वारे में दर्शन कराए जाएंगे, और उसके लिए सब बसें, पानी फ्री, खाना पीना, रहना सुविधा। बाजपुर के शुगर फैक्ट्री पेरा सत का शुभारंभ पर हवन पूजन कर शिक्षक कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कई बातें कही। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली गेट पर पहुंचकर फीता काटकर व चैन पर गन्ना डालते हुए स्टार्टर का बटन दबाकर शुभारंभ किया। शिक्षा कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि मृतक आश्रितों को मुख्यमंत्री से बात कर शीघ्र ही उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही अवैध शराब फैक्ट्री के 20 करोड़ की गारंटी के लिए मुख्यमंत्री से बात की। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों और किसानों से भी अनुरोध किया, फैक्ट्री में अधिक से अधिक मात्रा में गन्ना लाया जाएगा और गन्ने की बिजाई की जाए, साथ ही फैक्ट्री को अच्छी तरह से चलाया जाए और बीच में फैक्ट्री रुक नहीं पाए। सहकारिता की ऐतिहासिक चीनी मिल बाजपुर का आज सत्र का शुभारम्भ हुआ है, लड़ाई सत्र का शुभारम्भ हुआ है। मैं समस्त किसानों को, मजदूरों को और बाजपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान इस चीनी मिल को लंबे समय तक चलाए, क्योंकि बाजपुर की जो पहचान है, तराई की जो पहचान है, इन चीनी मिलों से ही है। और बाजपुर चीनी मिल का रुड़की में नगर निगम के भवन के पास आज व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अजय गुप्ता की तरफ से फीता काटकर उत्तरांचल वेंडर एसोसिएशन के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों की तरफ से मिठाइयां खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। वहीं इस खास मौके पर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अमित अग्रवाल और जिला अध्यक्ष साजिद मलिक भी मौजूद रहे। बता दें कि उत्तराखंड
उत्तरांचल वेंडर एसोसिएशन की ओर से लगातार वेंडरों के हित में काम किए जा रहे हैं। वेंडिंग जोन को लेकर उत्तराखंड वेंडर एसोसिएशन की तरफ से ही वेंडरों की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें पार्षदों के सहयोग से जीत भी हासिल की गई। आप भी सुनिए वेंडर एसोसिएशन के लोगों का ये बयान। चोपड़ा जी हरिद्वार वाले, वो यहाँ पे आके अपने खोखे लगवा रहे थे एक लाख बीस हज़ार रुपये का, लेकिन हमने कहा हम नहीं लेंगे बिल्कुल भी। हमने हमारी लड़ाई जो थी फिर नगर निगम पहुँचे, वहाँ के अधिकारी से हमने बात की, हमारे साथ जो थे हमारे साथ चोपड़ा जी साजिद भाई और हमारे बहुत से साथी हमारे साथ थे, हमें पत्रकार की सहायता से हम लोग अंदर गए, हमने वहाँ पर हमारी लड़ाई में जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे एक अग्रवाल जी और उनके साथ में जितने भी लोग थे रेगुलर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग थे, किसी राजनेता को हमने नहीं बुलाया है और हम खुद वेंडर और साथ साथ में पत्रकार समूह जो है जिनका मैं बार बार आभार करता हूँ, वो लोग हमारी लड़ाई को आगे ले जा रहे हैं, उन लोगों को हमने आमंत्रित किया और अपना जो है उद्घाटन किया। निकटवर्ती हल्दूचौर चौकी क्षेत्र के जयपुर 20 ग्राम पंचायत में कच्ची शराब बेची जा रही है। कच्ची शराब के विरोध में महिलाओं का गुस्सा फूट गया। वहीं गांव की आक्रोशित महिलाओं ने हल्दूचौर पुलिस चौकी का घेराव किया। चौकी के घेराव की सूचना पर प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का आश्वासन देकर महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद कोतवाल ने महिलाओं को 3 दिन तक भीतर शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम लोग हैं जयपुर 20 ग्राम सभा से, हमारी मांगे हैं जो हमारे क्षेत्र पर अवैध शराब का जो है वो लगातार खतरा बढ़ते जा रहा है लोगों के घरों में, विशेषकर जो पुरुष लोग हैं ये लोग शाम को पी के आते हैं और औरतों को परेशान करते हैं। हम लोग यही मांग करने आए हैं कि यहाँ पर शराब का जो अवैध शराब बंद हो जाए। ये हमारी ग्राम सभा का नहीं है, हर जगह यही कच्ची शराब का जो अवैध खनन जो अवैध धंधा चल रहा है उसको बंद कर दिया जाए। जयपुर बीसा से कुछ जनप्रतिनिधि और महिलाएं आए थे, उनका आरोप है कि इलाके में कच्ची शराब बिक रही है, कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो कच्ची शराब बेचने का काम करते हैं, तो उसी विषय पर इन लोगों से वार्ता की गई। वार्ता के बाद इनको आश्वासन दिया गया और मेरा कहना है कि लगातार कच्ची शराब पर कार्रवाई की जा रही है, इनकी सूचना मिलती है तो भी कार्रवाई करते हैं, उसके अलावा हम लोग अपने स्तर से भी लगातार कच्ची शराब के खिलाफ कार्रवाई। सभा के कोटाबाग ब्लॉक अंतर्गत बैलपड़ाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संयोजक के ग्रामवासियों के साथ बैठक की। इस बैठक के दौरान ग्रामवासियों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया, जिनमें सड़क, पानी, बिजली की समस्या और वर्तमान समय में किसानों को हो रही गेहूं बुआई की खाद के अभाव में भी बारे में बताया गया। प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने बीजेपी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं वर्तमान समय में किसानों को खाद की होने वाली समस्या के लिए सांसद अजय भट्ट से पहले में ही बात होने की जानकारी दी गई। आप भी सुनिए भाजपा के प्रदेश संयोजक मनोज पाठक का ये बयान। हम सब लोग बैठे थे जनता के बीच में, अब की बार 60 के पार इस उद्देश्य से जनता से प्रत्यक्ष में वार्ता हुई और बहुत सारी जनता की जो वर्तमान में खाद की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही थी, वो माननीय सांसद जी को 3 दिन पहले मैंने अवगत कराया, खाद आ चुकी है, इसके लिए जनता आभार व्यक्त कर रही थी और मैं भी सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ बहुत सारे वात्सल्य योजना के पात्र, शौचालय से संबंधित दिक्कतें और कहीं ना कहीं सड़क, पानी, विद्युत से संबंधित जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को हम आदरणीय मुख्यमंत्री धामी जी के समक्ष रखते हुए, सरकार के अधिकारियों के बीच में रखते हुए उसके निराकरण के लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा वाद संवाद ये रहा और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हुए पुष्कर धामी जी को पुनर्स्थापित करने के लिए और मोदी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को। चमोली के विकासखंड देवाल में सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेज मुदौली का अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज तो बना दिया, लेकिन सीबीएसई पैटर्न पर संचालित होने वाले उत्कृष्ट विद्यालय के लिए समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती गई। लापरवाही इतनी ज्यादा हो गई कि स्कूल के प्रबंधन समिति और शिक्षकों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सुविधाओं का अभाव में कारण छात्रों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। शिक्षक ने कहा कि सीबीएसई पैटर्न के नियमों के अनुसार स्कूल को हाईटेक सुविधाओं से लैस किया जाना था, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाया है। इसी के साथ जानकारी दी गई कि स्कूल में शिक्षकों की भी काफी कमी देखी गई है। यहाँ पर बहुत मूलभूत समस्याएं हैं
और ये एकल विद्यालय है न्याय पंचायत स्तर का, यहाँ पर 15 ग्राम सभाओं का एक विद्यालय है। यह सरकार के तर्ज पर पहले तो आदर्श बना, अब अतल उत्कृष्ट किया गया है। और यहाँ पर CBSE पैटर्न की बात की जाती है। मैं सरकार का सबसे पहले भी तो धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सरकार ने अटल उत्कृष्ट के साथ साथ इसको CBSE पैटर्न का रूप दिया। परंतु यहाँ पर बहुत बड़ी मूल समस्याएं हैं। यहाँ न तो पूर्ण तरह कक्षाओं के लिए भवन है, न अतिरिक्त कक्षे हैं, न प्रयोगशालाएं हैं, न यहाँ पर टीचर्स। सबसे बड़ी कमी तो हमारे वहाँ टीचरों की है, और हमारे वहाँ चार दीवारी भी नहीं है, और यहाँ से बच्चों को बहुत सारा डर लगता है, बच्चे स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, जंगली जानवरों का भी बहुत भय रहता है। और यहाँ सबसे बड़ी CBSE बन रही, बच्चों को एक से ही कंपलसरी होना चाहिए, छः से वो बड़ी मुश्किल से ABCD सीख पाते हैं, फिर उनमें इंग्लिश आती भी नहीं है, जिसके कारण वो पढ़ भी नहीं पाते हैं, और उन्हें ज़बरदस्ती उन्हें CBSE पढ़ाया जाता है, और उनको इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, जिसके कारण या तो हो CBSE हो एक से हो या तो सीधा नहीं होना चाहिए, इसलिए इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ साइंस के तो एक भी टीचर नहीं है, और सभी हैं, और तो थोड़ा बहुत भी है। यहाँ तो सबसे ज़्यादा कमी साइंस के टीचरों की है, जिसके कारण बच्चे भयभीत हो जाते हैं और साइंस भी नहीं ले पाते। सितारगंज के एक विद्यालय में कांग्रेस का पार्टी की तरफ से विधानसभा के बूथ अध्यक्षों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष समेत सितारगंज विधानसभा के पूर्व विधायक नारायण पाल और प्रदेश सचिव नव तेज पाल समेत सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम में बूथ के अध्यक्ष को जिलों से आई प्रशिक्षण देने वाली टीम ने सभी बूथ अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में भी सभी कार्यकर्ताओं को विस्तार से जानकारी दी। वहीं कार्यकारी जिलाध्यक्ष हिमांशु गावा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से उद्यम सिंह नगर जिले में बूथ लेवल अध्यक्षों को प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जा रहा है। कल से हमारे पूरे ज़िले में डेली एक विधानसभा में ये बूथों का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। उसमें हर बूथ से हम 2 से 3 लोगों को बुला रहे हैं, उनको एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो कांग्रेस का इतिहास रहा है 60 साल का, कांग्रेस ने 60 साल में क्या क्या किया इस देश के लिए, वो सारी चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस हिसाब से लोगों को गुमराह कर रही हैं, अच्छे दिन के वादे किए थे और आज कहाँ से कहाँ आज लोग पहुँच गए, जो हकीकत क्या है 60 साल की, कि आज जो हम चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे कंप्यूटर युग की बात करें, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए की हैं। तो ये प्रशिक्षण वो चल रहा है कि 60 साल में कांग्रेस ने क्या क्या किया है, ये हमारे पार्टी के जितने बूथ लेवल के कार्यकर्ता। मेरा बूथ मेरा गौरव प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आज रुड़की के नगर निगम हॉल में किया गया, जिसमें महानगर अध्यक्ष कलीम खान ने पूर्व चेयरमैन दिनेश कौशिक, पूर्व मेषपाल राणा, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सिंह, कांग्रेस वरिष्ठ नेत्री रश्मि चौधरी, मुबशिर अली राजहंस सचदेवा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम सिंह सैनी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम में 2022 चुनाव के मद्देनजर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता व बूथ स्तर से वोटरों के घर घर जाकर विधानसभा के वोटरों को कांग्रेस से कैसे जोड़ा जाए, यह सभी जानकारियां दी गई। सितारगंज में सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगर और आसपास के क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे। प्रकाश पर्व को मानते हुए नगर स्थित गुरुद्वारे में सर्वप्रथम अखंड पाठ साहिब के भोग पड़े। उसके बाद गुरु पर्व पर गुरुद्वारे कमेटी की तरफ से नगर में नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन 5 प्यारों की अगुवाही में गुरुद्वारा साहिब से शुरू हुआ, जो नगर के मुख्य चौक होते हुए अमरिया चौक, महाराणा प्रताप चौक होते हुए दोबारा गुरुद्वारा साहिब आकर रुका। नगर कीर्तन की शुरुआत 5 प्यारों की अगुवाई में अरदास के साथ हुई। नगर कीर्तन जैसे ही मुख्य चौक पहुंचा, वहां रुद्रपुर से आ गए रंजीत अखाड़ा के गतका पार्टी की तरफ से सुंदर प्रस्तुति की दी गई। हरिद्वार के शहरी और ग्रामीण इलाकों में जंगली जानवरों का निकलना जारी है, और इन जंगली जानवरों से इलाकों के लोगों को काफी दहशत में डाल दिया है। बहादराबाद ग्राम इब्राहिमपुर स्थित नाले के पास विशालकाय अजगर निकला।
विशाल का अजगर को देखे आसपास के लोगों में दहशत का माहौल दिखाई दे रहा है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। चमोली के थराली विकास खंड दूरस्थ क्षेत्र सोलपट्टी के गुप्तारा तोप को कुपवाड़ा में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान अपने साहस और वीरता के लिए शौर्य चक्र विजेता सुरेंद्र सिंह फसवार का घर है, जिनका गांव आज भी सुख सुविधाएं और विकास के लिए तरस रहा है। जबकि बारिश के मौसम में गंधेरे के आर पार कर आवागमन करना एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं होता, क्योंकि हर बारिश में यहाँ लकड़ी का पुल भी बह जाता है और तब दोनों तरफ से लोग एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाते हैं। 5-6 गांव को जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है और बीच में है गुप्तारा नामक एक तोक है, वहां हमारे शौर्य चक्र विजेता जी का घर भी है। तो वहां पे हमने देखा, क्या देखा, हम तो यहीं के वासिंदे हैं, हमेशा आते जाते हैं, तो लकड़ी के पुल से आज तक ही वहाँ पे काम चला हुआ है। शासन प्रशासन को एक दो बार दिया गया है, पूर्व जनप्रतिनिधियों के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं, पुल की मांग की गई है, लेकिन कुल मिलाकर के क्या है, शासन प्रशासन की अनदेखियां बहुत ज़्यादा है, अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में। आज भी वहां पे इतने गांव के लोग आवागमन करते हैं तो कोई व्यवस्था वहां पे आने जाने की है नहीं, दो लकड़ी के डंडों में काम चलता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में नगर पालिका परिषद मुनि की रेती ढालवाला ने प्रदेश में लगातार चौथी बार अपनी बादशाहत को कायम रखा, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण में मुनि की रेती ने प्रदेश में पहला और देश में 11वां स्थान प्राप्त किया है। मुनि की रेती को 20,000 से 25,000 की पॉपुलेशन के लिए गार्बेज फ्री रेटिंग में भी 1 स्टार मिला है। नगर पालिका परिषद मुनि रेती ढालवाला विगत कई वर्षों से स्वच्छता के क्षेत्र में एक अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है और पहले भी 3 बार जो है नगर पालिका परिषद को यहाँ पर राज्य में प्रथम स्थान मिला है और राज्य सरकार द्वारा जो है इसको 3 बार पुरस्कृत भी कर लिया गया है और निश्चित रूप से ही जो नगर पालिका ने कार्य किए हैं वो पूरी जनता को विश्वास में लेके किए हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी सभासदगण हैं, सभी ने जो है पालिका को इसमें सहयोग किया है और खासकर जो है हमारे सचिव साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनका भी समय समय पर जो। उत्तराखंड के मैदानी हिस्सों में 21 नवंबर और 22 नवंबर यानी रविवार और सोमवार की फिर से कोहरे से परेशानी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने हरिद्वार और उधम सिंह नगर के इलाकों में उथला और सामान्य कोहरा छाने का अनुमान लगाया है। सुबह और रात के समय इससे वाहन चालकों और स्थानीय निवासियों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देहरादून में सुबह और रात के समय आबादी से दूर मैदानी इलाकों में कोहरा छाने का अनुमान है। जन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाने और सरकार की नीतियों योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रायगढ़ बूंगीधार में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों में विभागीय अधिकारियों द्वारा स्टॉल लगाकर लोगों को लाभान्वित किया गया, साथ ही लोगों को विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी और उनकी समस्याओं को प्राप्त करते हुए निस्तारण किया गया। हमारा जो पौड़ी जिले का सबसे सुदूर क्षेत्र है बूंदीधार, इसमें आज हजारों लोग जो है इस शिविर में आए थे और सैकड़ों लोगों के जो है समाधान भी है, काम के विकलांग सर्टिफिकेट बने हैं, किसी का कृषि का प्रमाण पत्र बना है, किसी का जो है हर विभागों के काम हुए हैं और आज हमने यहाँ पे महालक्ष्मी किट का भी वितरण किया है, दशहरी कल्याण किट का भी वितरण किया है, सैलेज का भी वितरण किया है, जो लोगों के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के चेक थे उनका भी वितरण किया है और बिजली विभाग के भी जो जिनके गांव में ट्रांसफर खम्भों की दिक्कत थी उनका भी समाधान हुआ है और मैं कह सकता हूं कि सरकार जनता के द्वारा इस अभियान के तहत हम हर क्षेत्रों में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं और ये बहुउद्देश्यीय शिविर जो है बहुत सक्सेस रहा है, क्योंकि लोग अपनी बातें यहाँ पर DM से भी कर सकते हैं, CDO से भी कर सकते हैं, सरकार से भी कर सकते हैं, मंत्री से भी कर सकते हैं। और
ऋषिकेश में कांग्रेस ने मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत बूथ पदाधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग देने की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए ऋषिकेश में बूथ पदाधिकारियों की ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली कांग्रेस की एक टीम पहुंची। टीम के सदस्यों ने भारत मंदिर में सभागार में पदाधिकारियों को जानकारी देते हुए कुछ टिप्स दिए, जिनके सहारे कांग्रेस मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो सके। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर पूरे प्रदेश के अंदर 70 की 70 विधानसभाओं के अंदर होना जा रहा है। अभी लगभग 36 विधानसभाओं में हो गया। आज ऋषिकेश में ये कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर श्री भरत मंदिर परिसर में चल रहा है और ये एक दिवसीय शिविर है। इसमें दिल्ली की टीम आकर बूथ स्तर पर किस तरह से मैनेजमेंट करना है, ये इससे पूर्व में पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन इस समय इस बार प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में और दीपिका पांडे जी जो पूरा प्रशिक्षण को देख रही हैं इस कार्यक्रम को, उनकी देख रेख में जो एक प्रशिक्षण हो रहा है, इसमें बूथ का जो कार्यकर्ता है, बूथ का जो BLA है, बूथ का जो अध्यक्ष है, वो उन दोनों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और वो बूथ स्तर पर ट्रेनिंग लेकर बूथों पर जाकर सिर्फ अपने बूथों पर बैठकर लोगों को कांग्रेस की जो पिछले कई वर्षों की कांग्रेस की नीति और रीति, कांग्रेस के किए गए कामों को लोगों को बताकर और बूथ मैनेजमेंट को किस तरह से करेंगे, उस तरह का प्रशिक्षण इसमें चल रहा है, जिसके माध्यम से हम आने वाले चुनाव में उत्तराखंड के अंदर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और ऋषिकेश में नजर जो 15 साल से सूखा पड़ा है उस सूखे। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी।